हमें यहाँ पे एक इतना सा स्टॉकर बच्चा मिला, इतना वो सब फ्लॉन्ड है ना, मतलब कब से ऐसे देखी जा रही देखी जा रही, और जब ऐसे देखे हंसो ना हंसता नहीं आगे से देखता रहता है। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। हम लोग आज फंक्शन पे जा रहे हैं, एज यू नो कि शादियों का सीजन चल रहा है और मेरी बहनों ने जो हर हालात किए हुए हैं ये देखें, हीरा के डब्बे के हालात में आपको दिखा सकती हूँ, मतलब सब खराब खराब है। और अभी तक मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई है, आई फॉरगेट। और नीचे मेरे अब्बा आवाज़ें दे रहे हैं क्योंकि जो हॉल या मार्केट का टाइम होता है वो 10 बजे बंद हो जाता है। सो मैं अब आपको सारी बहनों का दिखाऊंगी, आज का भी मेकअप मैंने खुद किया है, देखें आप इतना पारू किया, बाल भी मैंने खुद बनाया, मैंने खुद इसको जो है ना वो ऐसे ऐसे करके कर्ल्स डाले हैं प्यारे वाले। मैं आपको हीरा से भी मिलवाती हूं, हीरा इज़ लुकिंग स्टनिंग इन ब्लैक साड़ी एंड कम हियर हीरा। और मेरी यार सिर्फ नेल कलर रह गए, इधर आओ जल्दी आओ, इतना स्लो चल रही है, दुल्हन तो नहीं हो तुम अभी। ये देखिए आई एम, ये मेरे से लंबी पता है क्यों लग रही है, क्योंकि इसने इतनी बड़ी हील पहन ली हुई है और मैंने अभी नहीं पहनी। ओके, अभी मैंने शूज़ नहीं पहने हैं, सो आई डिसाइड टू वेयर दिस पर्पल कलर बिकॉज कभी पहना नहीं तो सोचा पहन लेती हूँ। इतने सारे कलर्स हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने ड्रेस के साथ क्या लगाऊँ। हीरा यार बता, इसमें पर्पल तो नहीं, पर्पल बहुत अजीब लगेगा, बिल्कुल मैच। ये देखें जनाब, नीचे से पापा बुलाई जा रहे हैं और मैं अपने उल्टे हाथ से ट्राई कर रही हूँ नेल पॉलिश लगाने की, जैसी लग रही है अल्लाह अल्लाह करके। ओ माय गॉड, एक तो शादियों पे लेट हो जाओ ना तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि खाना जल्दी निकल जाता है, ये भी एक जुगाड़ है। फटाफट नेल पॉलिश, उफ अल्लाह, इधर उधर लगी जा रही है, इधर उधर लगी जा रही है। खैर अभी मैंने पाँव पर भी लगानी है, पहले मैं जूता पहन लेती हूँ फिर ऊपर से लगा लूँगी। इस मिकी मिनी को देखें जरा, नीचे बंद शूज पहन रही है ये मिकी मिनी, जरा ऊपर होके दिखाओ क्या पहना हुआ है। वेट अ मिनट, यहाँ पे सारी ये ताज दिखा ना जरा अपना। याद ला दिया, मैं इसे उतार दूंगी। जी जी नहीं, ये तुम्हारा ताज तुमने कौन सी गैलरी में रखा है? ओ माय गॉड, ये प्रिंसेस एनाबेल का ताज है। ये एनाबेल का नहीं, क्वीन का है जो भी ऊपर है। ये जो जो ब्लैक कलर के लगाते हैं ना वो, कैसे लगाओ? सुने इसको पहन लो सर पे, हाँ ऐसे भी चिपक जाएगा, ध्यान से इसको बाल खींचने, इतना टाइम ऐसे पहनते हैं वो। अंदर डाल दो ना मुझे, ब्लैक कलर की। आज सबने पता नहीं ब्लैक पहने का डिसाइड किया, ब्लैक गोल्ड हीरू ने भी, और हीरू एज यूजुअल अपना सेट पहना ही है लेकिन कानों में कुछ नहीं पहन रही है। पोनी का इसने जुगाड़ लगाया, एम ही बाल घुमा रही थी तो इसकी पोनी बन गई, तो इसने कहा चलो ठीक है ये बना देती हूँ। इस पे इतनी मेहनत लगी, सारी मेहनत तुमने तैयार किया, साइड से देखा इतनी मेहनत लगी है, और तुम कह रही हो जुगाड़ लगाया है। हाँ ये जुगाड़ होते हैं नहीं। और इयररिंग मम्मी पूछ रही है क्योंकि मेरी मॉम ने नीचे से ऊपर तक खूब प्यारा सब कुछ पहना हुआ, बेल्ट पहनी हुई है। मम्मा मुझको कोई रिंग दे दो। दी थी तुमने कल, मुझे वापस नहीं की। मम्मा वो सिल्वर थी, आई वांट समथिंग इन गोल्डन कलर। यार ऊपर लग रही है सबकी वाट क्योंकि कोई भी बच्चा जल्दी नहीं निकल रहा, फातिमा और राबिया कर रही हैं लेट, और पापा से पूछते हैं कि किन किन को जगा के आए हैं। ठीक है, पिछले व्लॉग में मैंने अभी जो राबिया के रिजल्ट वाला अपलोड किया था उसमें मेरी तबीयत खराब थी, आज मेरे डैडी की थोड़ी डाउन हुई भी है, और लेकिन आप फिर भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। गाइज आप लोग कमेंट्स में बोले माशाल्लाह। और आपको क्या हुआ है? वो सर में पेन हो रही है सर, जैसे भारी भारी हो रहा है मौसम की तब्दीली की वजह से, लेकिन कहते हैं शादी में गए लड़की को और पेंगुइन को ठंड नहीं लगती। आप लड़की थोड़ी हैं, वैसे मर्दों को वैसे पता लग रहा होता है, मुझे बिल्कुल कोई फील, मैं जब शादी में गई तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे कोई तबीयत भी खराब है, लेकिन आपको तो मुझे लग रहा है। चाय पियो जी, अम्मा कितनी अच्छी लग रही है आज तो जरा सामने है मॉम। वाओ ब्लैक एंड व्हाइट, आपने पापा को कहवा बना के दिया? नहीं कुछ नहीं, कहवा पीते हैं कहवा, कोई लिफ्ट ही नहीं, क्योंकि आज मामा जब अपने आप को लिफ्ट कराती है ना फिर अब्बा को नो लिफ्ट। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। देख लो कोई जलवा घर हुआ है साहेब। चलो जी, ये है फातिमा जो कि डबल फोन के साथ डबल धमाल। फातिमा इज ऑल्सो वेयरिंग साड़ी
एंड शी इज लुकिंग ऑल्सो वेरी नाइस. ये देखो जरा तुम्हारे साथ वट्टू आया एक जिसको हम क्या चलो सारे आओ जरा बारी बारी हो बारी आओ. अब्बा अंदर घर में चीजें बंद कर रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं. मेरी जो बहन है ना इसकी तो साड़ी नहीं सीधी हो रही है तुम्हारी. बिल्कुल जी हाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ. डेयरी मिल्क खा लो. हेलो फ्रेंड्स ज़ैनब खा लो. या अल्लाह हमें बचा ले आज एक अब्बा की डांट से, दूसरा ये जनाब हम लोग ध्यान से फातिमा ध्यान से सर पीछे करो. सो हम लोग निकल गए हैं सब लोग तो अपनी अपनी नशिस्तें पकड़ते हुए. वो देखें वो नज़र आ रहे होंगे आपको सब्बा शिंदे. और हम लोग भी ज़रा पहुँच ही चुके हैं फाइनली. ये स्टार्स जो है ना इनको शादी का जो है ना वो हॉल ही नहीं मिल रहा, मार्क ही नहीं मिल रही है. चलो शाबाश, इन लड़कियों को तैयार करके लाना ही आसान है लेकिन वैसे सब कुछ ही मुश्किल होता है. चलें घुसते हैं, अब जाते हैं देखते हैं अंदर की क्या सिचुएशन है. मतलब एंट्रेंस पे यही होता है. सो अब हम जगह देख रहे हैं, कोई प्यारी सी लोकेशन मिले और हम वहाँ पे शूट करें. इसका चल रहा है शूट, ये कर रही है इंतज़ार और ये भी कर रही है इंतज़ार. यहाँ पे शादी से ज़्यादा हमें अपनी पिक्चर्स की टेंशन है. और आपको पता है शफीक अहमद खाना खुल चुका है लेकिन मेरी बहनों की शूट ही नहीं खत्म हो रही है. देखें इनको अपनी पिक्चर्स की पड़ी हुई है और एक बहन यहाँ पे अपना शूट करा के बैठी, पता नहीं क्या देख रही है. मैं तो खैर जा रही हूँ वापस अंदर. और पिक्चर्स भी एक अलग ही स्वैग वाली होती है, वैसे मैंने हिसाब लगाया. मैंने तो अपनी प्लेट बना ली है, खाना काफ़ी यम्मी यम्मी लग रहा है मगर मेरी बहनें अभी तक नहीं आई. ये देखें ये बच्चियाँ लेट लेती. आपकी चेयर इधर है, राबिया मिसिंग है. मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी खा लें हमारे साथ. तो खाने का टाइम कुछ खत्म होता है लेकिन राबिया का मेकअप टाइम शुरू होता है. क्योंकि खाना खाने से लिपस्टिक उतर जाती है लेकिन मैं तो कुछ खाया ही नहीं. हमारा फोटोग्राफर जो है वो इस वक्त फुल खाने में. फातिमा क्या हुआ फोटोग्राफर को? ऊंचा बोलो थोड़ा सा. क्या इसने भी खिंचवानी है? अच्छा ये चाय पार्टी है, ये भी मेरी चाय दे दे. आपकी चाय ये चीनी वाली गिरेगी चाय गिरेगी. तुम्हें पता है फातिमा को फाइनली फोटोग्राफर मिल गया. हमें यहाँ पे एक इतना सा स्टॉकर बच्चा मिला, इतना वो सब फ्लॉन्ड है ना. मतलब कब से देखी जा रहे और जब से देखे हंसो ना हंसता नहीं आज से देखता रहता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोग इतना सारा प्यार करते हैं, इतनी सारी बेस्ट विशेस देते हैं और ये आके कहते हैं हम आपके व्लॉग्स देखते हैं. तो ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है. अब राबिया फोटो बनानी है नहीं तो हॉल की तुम्हें पता है 10 बजे लाइट बंद हो जाएगी. छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं शादियों में. ये देख लें और अब अम्मियाँ 2 बजे जाती है, अम्मा 2 बजे जाती हैं पार्लर और रात 7 बजे जाती हैं. तो अम्मा ये बच्चों का हाल कर संभालती हैं. हैंस प्रूव दैट कि अम्मियां ही सही बच्चे संभाल सकती हैं. ना ना बिल्कुल बिल्कुल अम्मियां के बगैर कोई कुछ. आई लव इट. इतना रो रहा है. हां जी पिक्चर बनानी है. आज से क्या बात है ये मैं उधर आ जाऊं. हां ये ऐसे टीम हो गई है. 5वीं है वो. यहाँ पे ऐसा समा बन गया है कि लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं लेकिन ऐसा ही होता है क्योंकि देखे पीछे वो सूट वगैरह चल रहा होता है, बच्चे भी रो रहे होते हैं और हमारी इस गहमा गहमी में लाइट बंद हो गई है. ओहो ये है राबिया की हरकतें, सारी जगह लेके बैठी हुई है. मेरी ये तुम्हारी नहीं है, मैं इतनी सी जगह रब है, मैं इतनी सी जगह बैठो ना इतनी सी. अब बैठो. उफ आ गई हूँ वैसे मैं पूरी, इतनी ज्यादा मोटी नहीं हूँ मैं. आई डोंट लाइक वलीमा. हाँ ये भी बड़ा मसला होता है मेहंदी पे, वाकई में मजा आया. घर का ताला खोलेगी ये मानो, हम घर पहुँच चुके हैं. ये मेहमान नवाजियाँ आ गई हैं. जैनब तुम्हें क्या हुआ है,
तुम्हारी साड़ी खराब हुई भी है, उल्टी आ रही है। इसने तो हाथ में अपना पूरा गाउन, ये होता है शादी के बाद। क्या कह रही थी, साड़ी लेंगे, ये साड़ी से ले। हाँ अच्छी लग रही है यार तुम्हारी तो, अच्छी लग रही है। और मैं देखो बेचारी। अभी मुझे आवाज आ रही है मेरे कमरे में कोई एंटर होने वाला है, पता नहीं। आपको पता है मुझे आवाज आ रही थी बाहर की खुलने की, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। नीचे रखा हुआ। हाँ ये राबिया लेके गई थी मेरा उठा के और वापिस ही नहीं रखा उसने। ये मेरे अब्बा हमारे सब लोग वैसे सो जाते हैं, लेकिन अब्बा जब तक हम सबको सुला नहीं लेते और सबकी चीज़ें उनके कमरे में रख नहीं देते तब तक नहीं सोते। अच्छा। तो अब वक्त होता है मेरे इस ब्लॉग के ख़त्म होने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हम सब लोगों की इस आउटफिट की पूरी पूरी जो है वो पूरा पूरा आउटफिट डिटेल्स देखने के लिए यू गाइज नीड टू गो टू आवर इंस्टाग्राम पेज, मेरा ikrakaval.official के नाम से है। वैसे मैं बायो में मैंशन कर देती हूँ, बायो कह रही हूँ यार, डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देती हूँ। तो आप लोग वहाँ पे जाके हमारी ड्रेस की डिटेल्स, हमारी ज्वेलरी, जो भी सब बहनों ने जो भी कैरी की है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हैप्पी विंटर्स।